ओके क्लास, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले हम इस की एक चैप्टर की एक क्लास हो चुकी है, उसमें हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की हिस्ट्री हमने डिस्कस की थी। उसमें मैंने जो पॉइंट डिस्कस किए थे वो कौन कौन से थे, अर्ली कैलकुलेटिंग मशीन और मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइसेस, इलेक्ट्रो मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग डिवाइसेस। इन सब के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं, आज जो आज का टॉपिक है वो है मॉडर्न कैलकुलेटिंग डिवाइस रिलेटिंग डिवाइसेस। और कंप्यूटर तो मैं एक टॉपिक ये हो गया, और दूसरा एनेक एंड यूनिवेक। सो वी विल डिस्कस टुडे मॉडर्न कैलकुलेटिंग डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर एंड एनेक एंड यूनिवेक। नेक्स्ट टू पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर, दो इस चैप्टर के दो अगले पॉइंट हैं जो हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। पहला है मॉडर्न कैलकुलेटिंग डिवाइस और कंप्यूटर, एनेक एंड यूनिवेक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडर्न कैलकुलेटिंग डिवाइसेस और कंप्यूटर। सी पेज नंबर 3, मेजर डेवलपमेंट टुक प्लेस इन द कैलकुलेटिंग डिवाइसेस इन 20th एंड अर्ली 21st सेंचुरीज। 20 और 21वीं शताब्दी की शुरुआत में कुछ मेजर डेवलपमेंट हुए कंप्यूटर्स में, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मॉडर्न कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। अब इसमें कौन कौन से थे, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले मॉडर्न कैलकुलेटिंग डिवाइसेस में जो सबसे पहले आता है वो था द फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। क्या था? द फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसका जो नाम दिया गया था वो क्या था? ABC। अभी इसका नाम ABC क्यों दिया गया था, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो 20 और 21वीं शताब्दी की शुरुआत में सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था तो वो कौन सा था? द फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था, उसका नाम रखा गया ABC। अब इसका ABC नाम क्यों रखा गया था, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोटोटाइप वाज बिल्ट बाय जॉन बी एनासॉफ एंड क्लिफर्ड ई बेरी। ये किसने बनाया था, अभी हमने आपको बताया है कि किसने बनाया था। कंप्यूटर प्रोटोटाइप वॉज बिल्ट बाई जॉन बी एनासॉफ एंड क्लिफर्ड ई बेरी। किसने बनाया था? जॉन बी एनासॉफ और क्लिफर्ड बेरी ने बनाया था। अब ये इसमें था क्या? इट हैड वैक्यूम ट्यूब्स। इसमें क्या थी? वैक्यूम ट्यूब्स थी इंस्टेड ऑफ मैकेनिकल स्विचेस। पहले वाले की अगर हम बात करें, इससे पहले वाले उसमें क्या थे? मैकेनिकल स्विचेस थे, लेकिन इसमें क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स थी। इट वॉज कॉल्ड एनासॉफ बेरी कंप्यूटर, इसको हम बोलते थे
एनासॉफ बेरी कंप्यूटर, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया था, एबीसी। और इट इज़ यूज्ड बाय बाइनरी नंबर सिस्टम लाइक मॉडर्न कंप्यूटर। अब इसी में सबसे पहले क्या यूज़ हुआ था, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम क्या होता है, 0-1 की फॉर्म में होता है। क्या होता है, 0-1 की फॉर्म में सिग्नल जाते थे, वो बाइनरी सिस्टम। आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग बात करेंगे। उसमें जो ट्यूब्स थी उसके थ्रू ये डेटा जाता था 0 और 1 की फॉर्म में। तो किसने बनाया था ये, एनासॉफ बेरी कंप्यूटर। क्या था, एनासॉफ बेरी कंप्यूटर, ये फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो बाइनरी सिस्टम पर काम करता था। फिर उसके बाद आया Z3। Z3 वाज इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय कॉनार्ड ज्यूस। किसने बनाया था, Z3 कॉनार्ड ज्यूस ने बनाया था। इट वाज द वर्ल्ड फर्स्ट वर्किंग प्रोग्रामेबल फुली ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग मशीन। ये कैसी थी, ये पहली थी, विश्व की सबसे पहली मशीन थी, फुली ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग मशीन थी, फुली प्रोग्राम्ड। Z3 किसने बनाया था, कॉनार्ड ज्यूस ने। किसने बनाया था ये, कॉनार्ड ज्यूस ने बनाया था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट बनी थी वो कौन सी थी, हार्वर्ड Mark 1। क्या था, Mark 1। अब ये हार्वर्ड Mark 1 ये कैसा था, इसके बारे में बात करते हैं। हार्वर्ड Mark 1 कंप्यूटर वाज बिल्ट इन द पार्टनरशिप बिटवीन हार्वर्ड एंड IBM इन 1944। कब बना था ये, किसके कोलैबोरेशन में बना था, एक तो इनके साथ में प्लस IBM के साथ में। कब बना था, 1944 में ये बना था। अब जैसे ये हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, IBM क्या थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या थी, आई फॉर इंटरनेशनल, बी फॉर बिजनेस, एम फॉर मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इनके कोलैबोरेशन से इन्होंने जो बनाया वो क्या था, हार्वर्ड Mark 1 बनाया। अब इसमें था क्या क्या, हम इसके बारे में बात करते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर मेड इन द US। ये सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर जो था वो बना था, कहाँ बना था, US में बना था। बट इट वॉज नॉट ए प्योरली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, लेकिन ये कैसा था, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था। अब ये IBM के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, सबसे पहले हमने अभी बात की थी ये क्या था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और ये कौन, किसने बनाया था, जब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग डिवाइस के बारे में हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में, तो उस समय हमने बात की थी ये IBM का फाउंडर कौन था, Herman Hollerith। कौन था, Herman Hollerith। उसके बाद जो ये हार्वर्ड Mark 1 जो बना था ये क्या था, ये मशीन, इसका जो वेट था वो लगभग क्या था, 5 टन था, एंड हैड 500 miles ऑफ वायर। लगभग ये 5 टन का ये कंप्यूटर हुआ करता था, और इसमें जो थी वायर थी वो लगभग कितनी, कैसी थी, 500 miles, लगभग 500 मील तक की लंबी वायर थी। इट वॉज 8 feet इन हाइट एंड 51 feet इन लेंथ। हाइट में कितनी थी, 8 फीट ऊंचा था, लंबा था, ऊंचाई थी इसकी, और इसकी चौड़ाई जो थी वो क्या थी, 51 फीट थी। तो ये तो थे उस समय के हमारे मॉडर्न कैलकुलेटिंग डिवाइसेस जो बने थे, वो कौन कौन से थे, द फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ABC,
अभी मैंने बताया था, एन असॉफ बेरी कंप्यूटर, एंड द थर्ड सेकंड वन इज़ Z3, अकोनॉट ज्यूस ने बनाया था, और फिर जो हार्वर्ड मार्क जो नया जो उसके बाद जो कंप्यूटर बना है वो हार्वर्ड मार्क और IBM के कोलेबोरेशन से उन्होंने पार्टनरशिप में बनाया था। कब बनाया था? 1944 में बनाया था IBM, जिसके बारे में हम बात करते हैं। अभी तक वो कंपनी है, अभी भी चलती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये तो हमारे थे उस समय के मॉडर्न कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। अब उसके बाद जो इन्वेंशन हुआ है वो क्या था, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। एनेक एंड यूनिबैक, यूनिबैक, एनेक और यूनिबैक, दीज आर द फर्स्ट फुली फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ये पहले फुली फंक्शनल जो थे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर थे। अब इसके बारे में बात करते हैं। विल्सन US कब बने, कहाँ बने थे? ये US में बने थे। इसको हम बोलते हैं ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, क्या था? ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन फॉर न्यूमेरिकल, I for integrated, A for and C for calculator। एनिक का फुल फॉर्म क्या था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। और जो दूसरा था वो क्या था हमारा? यूनिबैक। ये क्या था? यूनिवर्सल यूनिवर्सल ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एनिक और यूनिबैक ये दो फुली फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कंप्यूटर बनाए गए। कहाँ बनाए गए? ये US में बनाए गए। क्या इट वॉज सम वॉट सिमिलर टू द अर्लियर कंप्यूटर बट वॉज कंसिडरेबली लार्जर एंड मोर फ्लेक्सिबल। ये कैसे थे? पहले से वाले से ज़्यादा लार्जर और मोर फ्लेक्सिबल, बहुत ही ज़्यादा अच्छे कंप्यूटर थे। इसके बारे में हम बात करते हैं। ये कौन कौन से थे? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर और यूनिबैक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर प्रोड्यूस इन यूनाइटेड स्टेट। ये पहले कमर्शियल कंप्यूटर बनाए गए। कहाँ बनाए गए? US में बनाए गए। आप लोग इन दो पॉइंट्स जो आज हमने डिस्कस किए हैं वो कौन कौन से हैं? एक ये एनिक और यूनिबैक, और हमने जो इससे पहले फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया तो वो कौन सा था? मॉडर्न कैलकुलेटिंग डिवाइसेस और कंप्यूटर्स। अब हम इनके बारे में
बात करते हैं कौन कौन से एनिक एंड यूनिवैक। अब जैसा मैंने आपको बताया ये कैसे थे, पहले फुली फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर थे, कौन सा एनिक, और यूनिवैक वॉज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। ये कैसा था, कमर्शियल कंप्यूटर था। ये भी कहाँ बना था, US में बना था। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। अब हम थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं इनके बारे में हम बात करते हैं, इसमें जो हैं कीवर्ड्स थोड़े से इस चैप्टर में आते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में जो कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, वह है नंबर वन माइक्रो प्रोसेसर, और दूसरा है वैक्यूम ट्यूब। अभी मैंने बात की थी वैक्यूम ट्यूब के बारे में, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, बहुत सारे हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी आप लोगों ने सुना होगा, जब आप किसी तरह की कोई चिप देखते हैं छोटी छोटी आईसीज लगी होती हैं, उस वही सारी आईसीज, हजारों आईसीज को मिला करके एक माइक्रो प्रोसेसर बनता है, वो जो कैसी होती है, सिलिकॉन चिप होती है। ये कंप्यूटर में मेन चीज़ होती है माइक्रो प्रोसेसर। क्या बताया, बहुत सारी आईसीज होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या है इंटीग्रेटेड सर्किट, मैं लिख देता हूँ आईसीज इंटीग्रेटेड सर्किट। ICs, इंटीग्रेटेड सर्किट, थाउजेंड ऑफ ICs, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बिल्ट इनटू अ सिंगल सिलिकॉन चिप, छोटी सी एक चिप होती है उसके अंदर हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। और जो वैक्यूम ट्यूब है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं, वैक्यूम ट्यूब इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, एन वैक्यूम ट्यूब्स, अभी मैंने इसके बारे में बात की थी, वो वैक्यूम ट्यूब किस में थी अभी हम बात कर रहे थे, उसमें वो क्या थी, जो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, क्या है ये वैक्यूम ट्यूब्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड and discuss this point yourself, और बात करें अपने, देखें उसमें कि जो जो मैंने ये वीडियो में आपको बताया है इसको दोबारा एक बार देखें और रीड करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, इस चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। ओके क्लास, राइट, गुड।